अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दिखाता हूँ हमारे कराची के रोडों का क्या हाल है। गवर्नमेंट जो है तोड़ देती है, बनाती नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। लोग कितने परेशान होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोरंगी से लेके और शाह फैसल कॉलोनी तक जो है ना, पूरा ऐसा कैसे बड़ा कर रहा रोड का, आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी रोड का हाल, ये रोड का बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने, तोड़ के चले गए हैं। बनाएगा कौन नहीं पता किसी का। जब बस सर्विस का जब इंतखाब किया था इन्होंने, उस टाइम पे ये तोड़ी थी रोडें, और जब से ही ऐसा का ऐसा ही ये रोड पड़ा हुआ। ये देखिए कितनी दुश्वारी है, कितने लोग यहाँ मेरे सामने ही गिरे हैं कि 30 किलो बाइक चलानी पड़ती है। रुको, ये देखिए जी ये फिर आ गया, मतलब जगह जगह तोड़ के डाली हुई है यार। कम से कम बनाओ तो सही, कराची का क्या हशर कर दिया तुम लोगों ने, कोई काम नहीं होता ढंग से। जो चीज़ तोड़ दी कराची शहर को बिल्कुल जो ना खंडार बना दिया है, ना चलने की, ना चल सकते हैं फुटपाथों पे, फुटपाथों को बेच दिया, रोडों का सत्यानाश कर दिया, गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का ऐसा बेड़ा गर्क हो जाता है। आए दिन जंपे बनवाती है आवाम, सब में ज़्यादा रश जो जा रहा है वो उनके पास जा रहा है। ये देखें ये गड्ढा, ये देखें, मतलब चलने का इतनी दुश्वारी हो रही है कि ये देखें क्या है, कितनी मुश्किल पेश आ रही है। ये गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये देखें थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद में फिर ये गड्ढे शुरू। ये देखें ज़िंदगी जो है ना हम लोगों की दिन पे दिन अजीरन कर दी है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर नज़र रखें, जो लोग ये काम करवाते हैं कम से कम वो काम तो करवाएं, जो तोड़ दिए उसको बनाए तो सही। क्यों लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, हर जगह से लोगों को तकलीफ़ मिल रही है, गरीबों को। ये देखें कोई हमारा रोड ये है ही नहीं सही, कितने लोग मुश्किल से जाते हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, लोग वैसे जा रहे हैं, लोग गिर जाते हैं रोडों के ऊपर, कोई ज़ईफ़ है तो वो बेचारा परेशान। ये हालात हैं हमारे, कौन बनाएगा, इतने महीने हो गए कि इसको दोबारा आके देखा भी नहीं है कि करना क्या है, इसका बनाना नहीं बनाना या खंडर ही बना देंगे। नीचे करें, ये देखिए जी भैया हम आ गए हैं सिंगर से शाह फैसल की तरफ, जो बागे कुरंग की तरफ जो रोड जा रहा है ये वो रोड है। ये देखिए ये भी पूरा खोद के डाला हुआ है, ये भी पूरा खोद के डाला हुआ है इन्होंने, इतनी मुश्किल है हर किसी को। ये देखिए, ये देखिए अब ये स्टार्ट हो गए इतने कैसे टुकड़े, मतलब जो अब ये तो चलो माना कि थोड़ा सा ख़राब था तो इनको करके इसको सही कर देना चाहिए था, पर कई महीने हो गए पर ये बन नहीं पा रहा है। लोगों को दुश्वारी है, परेशानी है, ये कब हल होगी, कब गरीब जो है वो सुकून में आएगा, ये बस सुकून ही रहेगा। ये देखिए जी ये आगे बागे कुरंगी का रोड, इस रोड का हाल देखिए आप, देख लिया आपने, मैंने सब आपको दिखाया है, पर ये गवर्नमेंट को भी चाहिए वो देखे इसको क्या है क्या नहीं। ये देखिए जी रोड दोबारा टूटा हुआ आ गया, और ये गटर का पानी, ये कितने टाइम से गटर का पानी जो है, यहाँ पे सफाई नहीं होती गटरों की, और ये लाइन जा रही है बड़ी वाली। तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इसको सही करो आप, कब होगा ये सही, निज़ाम बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है भाई, आप थोड़ा सा इन रोडों को तो सही कर दो, इतने बुरे रोड हुए हैं कि चलने का जो रास्ता इतना दुश्वार कर दिया है कि बहुत ही जो मतलब एक तो पेट्रोल महंगा, ऊपर से हर चीज़ का जो मतलब बेड़ा बड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की जो रोड है वो उसको सही करें, कम से कम गरीब जो आवाम है उसको थोड़ी सी सहूलत तो मिल सके। बहुत शुक्रिया, वीडियो देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे मेरी आवाज़, ताकि इस चीज़ को सही करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।